भी कैसे होता है क्या ये इसका? रुक रुक, पहले मैं इसको बता दूँ। बहुत ही गंदा है। Hi, this is Mandeep. And this is Deep. And we are not social distancing. Actually, we are in the brand new 2021 all redesigned Ford F-150 XLT. 325 horsepower with 2.7 liter EcoBoost V6 engine. And now let's just launch this vehicle. So ये है the all new 2021 14th generation Ford F-150. So this is the XLT variant and इस ये जो basically video का एकदम in-depth video नहीं होगा but just basically get starting along with the Ford F-150 क्योंकि this is the first time मैं Ford F-150 के ऊपर video बना रहा हूँ. So इसमें जो सारी cool features है जो इसमें missing है but definitely मैं सारे feature जो है आपको इसके बताऊँगा. फोर्ड कहता है कि ये 97% जो है कार कम्प्लीटली न्यू है, इसमें कोई भी बॉडी पैनल जो टेक और नहीं किया है, जो आपको काफ़ी सिमिलर लगे बट इज काइंड ऑफ द मोस्ट सेलिंग व्हीकल इन नॉर्थ अमेरिका एंड काफ़ी पॉपुलर व्हीकल है. सो फोर्ड बेसिकली इट वाज अ राइट डिसीजन कि ज़्यादा उनने जो है लुक्स में उसको ज़्यादा चेंजेस नहीं किए हैं. सो ये कार जो है बहुत ही बॉडी स्टाइल्स में डिफरेंट बॉडी स्टाइल्स हो गए, केबिन हो गए, जो सीटिंग पोजिशन है, लॉट्स ऑफ इंजन ऑप्शन फ्रॉम द 2.7 लीटर इको बूस्ट इंजन टू 5 लीटर V8 इंजन वो बहुत एंड इवन द न्यू इंट्रोड्यूस्ड विद द 2021 मॉडल ईयर जो कि है 3.6 लीटर का V6 हाइब्रिड इंजन. तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है. सो फर्स्ट नाउ आई विल शो यू अराउंड द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार एंड देन द इंटीरियर एंड देन विल गो ऑन अ ड्राइव. एंड बिफोर वी मूव अहेड और एक चीज मैं बेसिकली जो है रिव्यूज करता हूँ वो यही के जो नॉर्थ अमेरिकन कार्स है उसके जो इंडिया में नहीं आते जो स्पेशल कार जैसे कि F-150 हो गया, फोर्ड मार्की हो गया, ब्रोंको हो गया, कैडिलैक एस्केलेड, ये सारे वीडियोज मैं करता हूँ एंड जो नॉर्मल जनरल कार रिव्यूज है जो कि यहाँ के ऑडियंस के लिए थे वो मैं करता हूँ. सो बेसिकली सारे वीडियोज मैं अपने हिंदी में करता हूँ. सो डेफिनेटली कंसिडर सब्सक्राइबिंग. नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फ्रंट ऑफ दिस कार. बेसिकली ये XLT वेरियंट काइंड ऑफ अ स्टार्टिंग वेरियंट. इसमें जो है बेस इंजन आता है, आप देख सकते हो उसके मिरर्स एंड काफी एकदम मतलब ब्लैक्ड आउट है. सो दिस मॉडल कम्स विद काइंड ऑफ स्प्लिट हेडलाइट्स. आप देख सकते हो इसमें जो इसका टॉप वेरियंट आता है उसमें LEDs आते हैं जो डिफरेंट डिस्टिंक्ट एकदम स्प्लिट में. तो आप यहाँ इनफैक्ट यहाँ भी देख सकते हो आप वो फॉर्मेट कैसा होगा. सो बेसिक एंड इसके जगह ग्रिल की बात करें तो ये कार्स में अराउंड 11 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रिल्स आप चूज कर सकते हो ऑप्शन में. मतलब यह यहाँ लिटरली अब एक जो है मोस्ट कॉमन ग्रिल होगा वो होगा फोर्ड रैप्टर का ग्रिल. इसमें वो भी आप डेफिनेटली इस पर ऑप्शन जो है या फोर्ड नहीं देगा बट डेफिनेटली आप बाहर से जो है ईबे या कहीं से भी वो ऑप्शन चूज कर सकते हो. एंड अब यहाँ दिखाने लायक कुछ है नहीं क्योंकि इसमें 360 कैमरा वगैरह इतना कुछ है नहीं. तो यहाँ बेसिकली फ्रंट में जो है इसके लुक्स आप देख सकते हो थोड़ा डिस्टिंक्टिव है यहाँ पे आप जो गैप देख रहे हो वो, बट मैंने जैसे कहा काफ़ी चेंजेस नहीं है. अगर इसमें मैं इसके में साइड प्रोफाइल में आ जाऊँ अभी तो आप देख सकते हो फुट रेस्ट भी मतलब जो फुट स्टेप होता है वो भी नहीं है. सो बेसिकली वो आप एक एक्सेसरीज जो है वो ऐड कर सकते हो जो आप कार खरीद रहे हो अगर आपका ये वेरियंट है तो. एंड वो उसमें एक फर्स्ट टाइम मेरे को बहुत अच्छा लगा. नॉर्मली दूसरे कार्स में होता है आप कार के तरफ वॉक करते हो तो वो कार जो फुटस्टेप है वो नीचे आता है. तो ये कार में बेसिकली वो बहुत अच्छा फीचर ये है कि आप अगर कार के की आपके पॉकेट में हो अगर आप कार के नियर भी जाओ डोर के तो ऑटोमेटिकली वो फुटरेस्ट नीचे आ जाता है. एंड यहाँ पे उसका एक बटन भी होता है तो आप वो मैन्युअली मतलब बटन के प्रेस से भी वो जो है फुटरेस्ट जो है वो फुटस्टेप जो है वो आप ऊपर नीचे कर सकते हो. ओवरऑल आप साइड प्रोफाइल देख सकते हो. इनफैक्ट जो रियर में है काफ़ी आपको चेंजेस दिखेंगे नहीं ये कार में जो कि पहले जैसे ये कार था वैसे ही है बेसिकली जो साइड प्रोफाइल से. बट जैसे कि फोर्ड ने कहा कि इसमें कोई भी पैनल जो है ज़्यादातर वो टेक ओवर नहीं किया गया है. एंड अभी अगर इसके रियर साइड में जो इसका बेड है मैंने जैसे कहा काफ़ी कैबिन ऑप्शंस आते हैं इसमें, बेड का लेंथ आता है मतलब टू डोर वर्जन आता है तो बहुत सारे ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हो, इंजन ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हो. यानी ये जो लोअर मॉडल है तो बेसिकली इसमें व्हील्स जो है एकदम बेसिक है. इसमें मेन कूल फीचर जो है इसके बूट, मैंने जैसे कि अब ये खोल के रखा ऑलरेडी आपने बहुत देखा होगा ये फोर्ड F-150s में जो इसका स्टेप होता है या आप स्टेप भी चूज़ कर सकते हो. ये इनफैक्ट ये कार में एक ऑप्शनल है क्योंकि एक लोअर वेरिएंट है बट जो न्यू इंट्रोड्यूस किया गया है वो है ये. यहाँ पे आप देख सकते हो आपका फ़ोन रख सकते हो. इनफैक्ट मेरे जेब में अभी मेरे पॉकेट में अभी फ़ोन है तो आप देख सकते हो काम करना है तो यहाँ कोई फ़ोन रख सकते हो आप. एंड देन यहाँ पे आप आपको कप रखने के लिए जगह है. इनफैक्ट यहाँ इनबिल्ट मेजरमेंट सिस्टम है आप देख सकते हो. आप जो वर्क नॉर्मली ये जो ट्रक्स होते हैं बहुत ही वर्क प्लेस पे यूज़ किए जाते हैं तो बेसिकली आप यहाँ देख सकते हो टूल भी है यहाँ एंड यहाँ. सो आपको वुड कटिंग करना है कुछ करना है तो यहाँ पे आप क्लिप ऑन करके यहाँ पे उसको क्लिप करके वो आप काम भी कर सकते हो. एंड यहाँ बॉटल ओपनर भी है.
बेसिकली आप कहीं पार्टी कर रहे हो, भाइयों के साथ चिल मारना तो मार सकते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी ये कार हाइब्रिड नहीं है, बट इसका जो हाइब्रिड वेरिएंट आता है और जो बाकी वेरिएंट आता है उसमें आप बेसिकली वहाँ जो आप स्पेस देख रहे हो वहाँ इसके जनरेटर के आउटलेट्स आते हैं। सो दिस कार इज़ बेसिकली अ मूविंग जनरेटर, तो यहाँ जो उसका सारा आउटलेट्स आते हैं तो वहाँ से आप टीवी या कोई और वर्क प्लेस या हैवी इक्विपमेंट्स आप पावर कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग, इसमें फीचर जो आता है वो है पावर टेल गेट। सो बेसिकली वो इसका पावर टेल गेट तो ट्रक्स में आता ही है, जो आप की से भी आप ये ऊपर या नीचे कर सकते हो। बट इसमें एक डिस्टिंग फीचर है कि समझो आपके हाथ में कुछ है, अगर आप पैर से ही ऐसे इसको ऊपर करोगे, हाफ ऊपर करोगे, तो ऑटोमेटिकली पूरा क्लोज हो जाएगा। सो अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ क्योंकि ये काफ़ी हैवी है। यहाँ आप देख सकते हो लाइट्स, तो बेसिकली ये कार में जब ये इंटीरियर दिखाऊंगा, एक सराउंड लाइट्स जो है इसके सारे ऊपर भी आते हैं नीचे भी आते हैं, तो एक फीचर डेफिनेटली आपको मैं बताऊंगा। एंड देन एक्सटीरियर में इसके इतना कुछ था नहीं, मैंने जैसे ही कहा काफ़ी एक प्रैक्टिकल पिकअप ट्रक है ये। सो अभी लेट्स जस्ट जंप इन द हॉप इन, क्योंकि ये काफ़ी इसमें जो है मैंने कहा फुटस्टेप भी नहीं है, तो यू हैव टू लिटरली हॉप इन साइड द कार। एंड नाउ लेट्स जस्ट चेक आउट द इंटीरियर। एंड नाउ अभी फर्स्ट इसका बैक सीट चेक करते हैं, क्योंकि ये सीट के नीचे भी स्टोरेज स्पेस आता है जो कि इसमें नहीं है, बट यहाँ काइंड ऑफ एक आपको एक कंपार्टमेंट में मिल जाता है सीट के नीचे, इसलिए सीट फोल्ड हो जाती है। एंड देन यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये सारे इसके पावर आउटलेट्स है पीछे के सीट के लिए, जो कि USB-C एंड USB पोर्ट्स है यहाँ पे। एंड यहाँ पे एक विंडो भी आता है जो कि एक्चुअल में काफ़ी यूज़फुल फीचर है, मतलब काफ़ी सारे डिफरेंट पर्पज़ के लिए आप वो विंडो यूज़ कर सकते हो। सो बेसिकली एक स्क्वायर विंडो आता है, जो आप आगे से जो भी बटन होता है उसका ड्राइवर सीट के पास में, जो आप वो उससे कंट्रोल कर सकते हो। अब इसके फ्रंट में फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ है इसके पैडल्स, ये जो आपका एक्सेलेरेटर एंड ब्रेक पैडल है वो आप उसकी जो है हाइट एडजस्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे ये जो है मैंने जैसे ही कहा जो इसमें फोल्डेबल गियर सिलेक्टर आता है इसमें, क्योंकि वो सारी जी चीज़ें हैं। मोस्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक इंटीरियर दिखा देता हूँ। ये जो लाइट है वो जो पीछे इसके यहाँ पे ये लाइट ऑपरेट करने के लिए, जैसे कि अभी ऑन है तो मैं यहाँ ये लाइट ऑफ़ कर देता हूँ अभी, तो बेसिकली आप वो लाइट यहाँ एडजस्ट कर सकते हो। एंड देन बाकी जो कार है इसमें सारे बहुत सारे कंट्रोल्स आते हैं, मतलब जैसे कि पूरी कार की सराउंड लाइट एडजस्ट करना, लेन कीप असिस्ट, या सारे उसके जो बटन्स हैं वो यहाँ पे सारे आते हैं इसके। एंड यहाँ पे इसका ड्राइव मोड सिलेक्टर है। तो ये ओवरऑल इसका कैबिन लेआउट आप देख सकते हो, तो ये काफ़ी सिमिलर है पहले के कार से। एंड इसका जो एक्चुअल में डोर ओपन करने का हैंडल है वो यहाँ आप देख सकते हो, मतलब जहाँ से आप होल्ड करते हो वहीं हैंडल है। मुझे पर्सनली एक्चुअल में काफ़ी कन्वीनियंट लगा ये यहाँ पे डोर हैंडल होना, ये काफ़ी इजी हो जाता है वहाँ पे पुल करके, फिर डोर पुश करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे ही आप पकड़ के वो डोर कंट्रोल कर सकते हो। एंड देन इसके गेज क्लस्टर ये रहा, जहाँ के इसमें जो टॉप पर है वो पूरा डिजिटल आता है, जिसमें और कूल एनिमेशन आते हैं, बट इसमें स्टिल आपको जो है डिफरेंट ग्राफिक्स आते हैं जैसे आप मोड चेंज करते हो। सेंटर सीट है जो एक काइंड ऑफ चाइल्ड सीट है, बट यहाँ पे आप उसको फोल्ड कर सकते हो, एंड फोल्ड करके वहाँ पे कप होल्डर्स एंड आर्मरेस्ट बन जाता है। बट एक दो चीज़ें यहाँ पे, इनफैक्ट इसके अंडरनीथ स्टोरेज स्पेस है जहाँ मैंने अपना भी बुक रखा है, आप देख सकते हो यहाँ पे भी स्पेस है इसके। एंड देन फ्यू मोर प्रैक्टिकल स्पेस है यहाँ पे, आप स्टोरेज स्पेस है। तो इन जनरल इतना कुछ है नहीं इसमें दिखाने के लिए अभी, बस वहाँ पे जो एक स्टोरेज स्पेस है वो एक को एक ड्यूअल स्टोरेज स्पेस मिला है, जो कि मोस्ट ऑफ द पिकअप ट्रक्स में होता है। सो इसका जो अदर इंटीरियर स्टफ्स है वो मेन जो है ड्राइविंग पार्ट में ही कवर कर दूंगा। नाउ लेट्स जस्ट हॉप इन द कार एंड स्टार्ट ड्राइविंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं उसमें फोल्डेबल गियर सिलेक्टर, जो इसमें जो है इसका गियर सिलेक्टर है वो पूरा फ्लैट फोल्ड कर सकते हो। एंड ये जो रेस्ट है, मतलब एक काइंड ऑफ अभी इसमें सीट है, बट नॉर्मली इसमें पूरा जो सेंट्रल कंसोल होता है एंड सारा कुछ होता है, तो आप वो पूरा फ्लैट सरफेस करके उसके ऊपर आप जो लैपटॉप पे काम हो आपका या बाकी सारा काम हो, लंच हो आपके वर्क साइट पे ऐसा कुछ हो, तो आप सारा उसमें कर सकते हो। एंड देन और भी कूल फीचर्स जो है इसमें वो है इसका सीट, जैसे कि इसमें इंटीरियर क्वालिटी है सीट सारा मैंने कहा लोअर वेरिएंट है काफ़ी बार क्या, जो इसमें इतना नहीं है, बट डेफिनेटली जो शोरूम के अंदर था वो टॉप वेरिएंट है, तो उसमें सारा लेदर सीट्स, तो आप एक देख सकते हो, मैंने इनफैक्ट नीचे मतलब थोड़ा लोअर डाउन द पार्ट्स में मैंने जो कार के आते उसमें चेक किया, तो हर जगह जो प्लास्टिक पार्ट्स है मोस्ट प्रॉब्ली लेदर या एक डिफरेंट मटेरियल से रिप्लेस किए थे, तो क्वालिटी इज़ अ बिग स्टेप फॉरवर्ड ये जनरेशन में। तो उसमें जो सीट्स आते हैं, इनफैक्ट वो सीट्स में भी स्पीकर आते हैं, काफ़ी एडजस्टेबल सीट्स आते हैं, ये शोल्डर सपोर्ट भी आप एडजस्ट कर सकते हो उसमें। एंड देन उसके बाद जो है पूरा रिक्लाइन सीट है, यस पूरा जो सीट है ड्राइवर एंड पैसेंजर पूरा फ्लैट हो जाता है, मतलब काइंड ऑफ पूरा बेड तैयार हो जाता है, मतलब बेसिकली काइंड ऑफ जो वर्क प्लेस में आपको सारे जो है इसके बेनिफिट्स मिले वो सारे फीचर्स है इसमें।
एंड देन इसमें जो बाकी सारे जो लग्जरी कार्स में जो फैमिली कार में लग्जरियस फैमिली कार में फीचर आते हैं, जैसे कि मसाजिंग सीट हो गया, जो इसके कप होल्डर्स होते हैं उसमें एम्बियंट लाइटिंग, जो लिट अप कप होल्डर्स है, एंड बाकी सारे जो रेगुलर कूल फीचर्स आते हैं वो सारे कार्स में, ये जो इसके टॉप वेरियंट में उसमें आते हैं। बिफोर वी स्टार्ट द ड्राइविंग पार्ट, स्पेशल थैंक्स टू थ्रॉनकैश फोर्ड फॉर मेकिंग दिस वीडियो पॉसिबल, स्पेशल थैंक्स टू टायलर हु हेल्प मी आउट इन ऑल दिस। तो सारे जो लिंक्स जो अगर आपको कॉन्टैक्ट करना है, कार चेकआउट करना है, बुक करना है, उनके पास ऑलरेडी द फोर्ड मार्क ई एंड ब्रोंको इट्स ऑन इज वे। उसके थोड़े डिलीवरीज भी हो गए, बट नाउ आई एम होपफुली वेरी सून आई विल प्रॉब्ली टेस्ट ड्राइव द ब्रोंको एंड द मार्क ई। सो स्पेशल थैंक्स, और जो भी सारे लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन में है। सो नाउ ड्राइविंग द 2021 फोर्ड F-150। फर्स्ट इसका पावर ट्रेन की बात करें, सो दिस इज अ 10 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स विच इज मेटेड टू 2.7 लीटर इको बूस्ट V6 इंजिन विच प्रोड्यूस 325 ब्रेक हॉर्स पावर। एंड नाउ लेट्स जस्ट लॉन्च इट। बेसिकली अभी इसमें दैट वॉज क्वाइट एक्सलेंट, क्योंकि ये टू व्हील ड्राइव में कार जाती है, जो हाइब्रिड कार है वो ऐसे, जो इसका हाइब्रिड वेरिएंट आता है वो ऐसे लॉन्च नहीं होता है। ये बेसिकली एक ट्रेडिशनल जो है ये इंजन एंड पावर ट्रेन ऑप्शन है इसका, सो जो था बेसिकली टू व्हील ड्राइव में स्पोर्ट्स मोड पे। एंड ये कार स्पोर्ट्स मोड पे एक ऑप्शन देता है, जैसे कि आप स्पोर्ट्स मोड पे बंद करोगे, दिस इज अ रियली नाइस फीचर लाइक द कार आस, क्योंकि बहुत कार जो है, मतलब मैंने ये कार स्पोर्ट्स मोड पे छोड़ दिया तो ये कार वापस नॉर्मल मोड पे स्टार्ट होता है, बट ये पूछता है कि यू टर्न ऑफ इन स्पोर्ट्स मोड सो यू वांट टू कंटिन्यू इट विद, सो आप प्रेस ओके, सो कार वापस स्पोर्ट्स मोड में ऑन हो जाता है। सो दैट्स अ रियली नाइस फीचर। एंड दूसरा एक चीज मैंने नोटिस किया अभी, जैसे कि आप पार्किंग लॉट में मैं टर्न्स कर रहा हूँ, मैं चाहता तो कार बाहर भी लेके जा सकता था, बट इतना मैंने जैसे ही कहा मैं जो आगे जाके पूरा इसका टॉप वेरिएंट चलाने वाला हूँ, तो बेसिकली वो मुझे ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करने में भी प्रेस कार होगा, या तो वापस शोरूम में आके ही करूँगा, बट उसमें मैं ड्राइविंग पार्ट पे ज़्यादा फोकस करूँगा। सो दिस वॉज बेसिकली मुझे जस्ट आपको एक कार दिखाना था। सो अभी इसमें और एक चीज़ मैं बोल रहा था, टर्निंग रेडियस, दिस कार हैज़ वन ऑफ द वर्स्ट टर्निंग रेडियस, मतलब जो रिसेंट में मैंने कार चलाया, दिस कार हैज़ वन ऑफ द मोस्ट टर्निंग रेडियस। लास्ट आई रिमेंबर वॉज एन ओल्ड BMW 5 सीरीज, जो कि E65 सीरीज था, बट डेफिनेटली ट्रक्स का उससे ज़्यादा वर्स्ट होता है, बट जो मैंने रैम 1500 भी चलाया था, सिल्वराडो भी चलाया था, उसमें भी इतना टर्निंग रेडियस का मेरे को इश्यू नहीं आता, इसमें इट्स क्वाइट नोटिसेबल। एंड बेसिकली इसका जो हाइब्रिड वेरिएंट आता है उसमें आता है 430 ब्रेक हॉर्स पावर, एंड इसका टोइंग कैपेसिटी भी 2750 पाउंड समथिंग है, सो काफ़ी वो जो है पावर डिफरेंस है दोनों कार्स में, दोनों इंजन में, विच क्वाइट अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि ये कार जो है, अभी इसके प्राइस के बारे में बात करते हैं, इसका विंडो स्टिकर है $52,000 विच इज़ नॉट दैट एक्सपेंसिव फॉर वॉट दिस ट्रक इज, मतलब इतना बड़ा व्हीकल है, सो विच इज़ काइंड ऑफ रीजनेबल। सो जनरली फोर्ड व्हीकल जो है काफ़ी, मतलब आप कंपेयर टू इंडियन मार्केट ऐसे कंपेयर करोगे तो काफी चीप है यहाँ पे, बट इसका जो टॉप वेरिएंट है वो ऑलमोस्ट रीचेस, आई थिंक इट्स इवन क्रॉस $100,000 जो इसका पूरा एक आप जो लोगे लिमिटेड वेरिएंट एंड पूरा वो हाइब्रिड पावर ट्रेन के साथ एंड सारे ऑप्शंस के साथ। एंड देन इसमें और एक स्टैंडर्ड जो है, बेसिकली ये कार्स में आजकल सेफ्टी फीचर सारे स्टैंडर्ड आते हैं, तो इसमें और एक फीचर ये भी आता है कि लेन सेंटरिंग है, इसमें लेन सेंटरिंग है, लेन कीपिंग असिस्ट जो होता है, लेन असिस्ट वो एक डिफरेंट, आप लेन के बाहर जा रहे हो तो कार पुल्स यू इन द लेन। मैंने हमेशा कहा है कि हुंडई किया का इट्स वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम लेन सेंटरिंग, आपको लेन के सेंटर में रखता है, तो सेम फीचर इसमें भी है, इतना रिफाइंड नहीं है जितना कि हुंडई और कियाज में आता है, बट स्टिल दिस इज रियली कूल, मतलब ये कंपेयर टू बाकी भी कोई मैन्युफैक्चरर देखे तो काफ़ी अच्छा है। तो बेसिकली व्हाट दिस डज कि आपको एक लेन के सेंटर में ही रखने का ये ट्राई करता है, अगर आप हाईवे पे ड्राइव कर रहे हो तो। सो हाँ, मैं पहले की फोर्ड F-150 में बैठा हूँ, सो आई कैन रियली कंपेयर द राइड क्वालिटी जिस बेटर, थोड़ा सस्पेंशन ट्वीक्स है, जैसे कि मैं ये बेस वेरिएंट में थोड़ा माइनर ट्वीक्स है, विच मतलब मेन चीज जो है इसमें नोटिस किया वो है राइड क्वालिटी, द राइड क्वालिटी इज अ बिट मोर कंफर्टेबल इन दिस कार। एंड और एक चीज भी मैंने नोटिस की, उसमें कुछ किया है कि नहीं पता नहीं, बट साउंड इंसुलेशन इन दिस कार इज रियली गुड, एंड मुझे वो एक इम्प्रूवमेंट भी लग रहा है प्रीवियस जनरेशन से। एंड बाकी इसमें अभी बड़ा स्क्रीन वगैरह नहीं आता, इसमें जो जनरल अपना एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो, वो सारे फीचर्स है, ऐप है, एंड इसमें बस सिंगल रिवर्सिंग कैमरा आता है। यहाँ पे जो रूफ है पीछे वहाँ पे और एक कैमरा भी आता है, सो उसका एक अच्छा चीज़ है कि आप कोई व्हीकल टो कर रहे हो तो आप एक आपके ट्रेलर पे लाइन अप कर रहे हो, तो वो जो ऊपर जो कैमरा है वो रियली हेल्पफुल है।
तो अभी मैं इसे कंपेयर करूँ जो पास्ट मैंने चलाया, क्योंकि मैंने रैम 1500 जो चलाया था वो एक टॉप ट्रिम था, वो लॉन्ग हॉर्न वेरिएंट था, तो उसमें बेसिकली पूरा एक लग्जरियस वेरिएंट था। एंड आई स्टिल, मतलब ये जो फोर्ड F-150 मेरे पास अभी जैसे टॉप वेरिएंट नहीं है, तो आई स्टिल प्रीफर, मतलब मैंने सिल्वराडो चलाया, ये चलाया एंड देन द रैम 1500। सो बेसिकली तीनों में से आई स्टिल, मैंने कहा था कि फोर्ड तभी रैम के वीडियो में कि नया फोर्ड F-150 आया तो शायद पता नहीं कि वो इससे ज़्यादा बेटर होगा। आई स्टिल थिंक दैट द रैम 1500 इज द बेस्ट ओवरऑल पिकअप ट्रक नाउ, एंड ये मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी तक इसका टॉप वेरिएंट नहीं चलाया। अगेन फोर्ड, इफ यू कैन गिव मी दैट, तो जब भी उसका वो जो इसका पूरा टॉप वेरिएंट मैं टेस्ट करूंगा देन अगेन मैं अपना वर्डिक्ट दूंगा। बट आज के दिन के हिसाब से अगर मैंने ये चलाया, एंड सिल्वराडो भी इसका वेरिएंट एकदम टॉप नहीं था, इसके कंपेरेबल ही था। सो बेसिकली तीनों पिकअप ट्रक्स अभी मैंने ड्राइव कर लिए, जो मेन कॉम्पिटिटर्स हैं यहाँ पे जो है डॉज की रैम 1500 एंड देन ये फोर्ड F-150 एंड शेवरले सिल्वराडो। एंड तो बेसिकली दिस वन फील्स मोर सोफिस्टिकेटेड। सिल्वराडो था काइंड ऑफ वाइल्ड, एकदम अग्रेसिव लुकिंग, रैम था थोड़ा फील था उसको लग्जरियस, एंड दिस इज काइंड ऑफ द मोर सोफिस्टिकेटेड वर्क ट्रक। तो मैं अगर रैंक करता हूँ मेरे हिसाब से तो दैट्स रैम 1500 एंड देन फोर्ड F-150 एंड देन द शेवरले सिल्वराडो अंटिल आई ड्राइव द टॉप वेरिएंट ऑफ दिस फोर्ड F-150। सो आई थिंक मोस्ट ऑफ चीज़ें मैंने कवर किया। आई नो मैंने मोस्ट ऑफ द चीज़ें बोले टॉप वेरिएंट ज़्यादा, मतलब मैंने वो कार के बारे में ही बात की क्योंकि मुझे आपको जस्ट इन्फॉर्म करना था कि क्या क्या फीचर्स आते हैं कार में। सो अभी मेन जो इसका मैं जो है आगे जाके इसका जो लिमिटेड वेरिएंट ड्राइव करूंगा तो उसमें मैं मेन फोकस करूंगा उसके ड्राइविंग पार्ट पे एंड उसके सारे जो फीचर्स जो मैं दिखा नहीं पाया था उस पे। एंड आई थिंक दैट मैंने मोस्ट ऑफ चीज़ें कवर कर लिया है। सो होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। सिट इन दिस वन एंड नाउ सी यू इन नेक्स्ट वन।